ये तो आपको करना ही पड़ेगा कि उसके दिल में खौफ खुदा फिक्र आखिरत। जन्नती ज़िवर के नाम में लिखे हैं कि अखबार ऐसे रसाई जिनमें हया का जनाजा निकालने वाली चीजें हों, वो बच्चियां ना पढ़ें ना देखें, बच्चियां ऐसे लोगों की सोबत में ना रहें जिनकी वजह से उनके अंदर बेहयाई आए, जिनकी वजह से इस्लाम की अजमत उनके दिल में कम हो। बल्कि आपको हैरत होगी कि मुसलमान औरतों को काफिला औरतों से भी पर्दे का हुक्म दिया गया। दोस्ती करना है किससे करना है? आज उन बच्चियों की घरों के अंदर इस्लामी तरबियत नहीं हो रही है, और इस्लामी तरबियत ना होने की वजह से उन्हें तोड़ा तोड़ा वकील डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए कॉलेज में भेज दिया जाता है। उनके दिमाग के पेपर के ऊपर इस्लामी तालीमात प्रिंट नहीं की गई, छापी नहीं गई है, और वहां पर वो एक ऐसे माहौल के अंदर जाती हैं जिसमें शैतान उनको अगवा करने के लिए प्लानिंग किए हुए बैठा हुआ था। वो तो इसी मौके के इंतजार में था। कम मुसलमान की इज्जत से खेले, कम मुसलमान के इस्लाम का जनाजा निकाले। दोस्ती के बारे में क्या मुसलमान बेनकेल की ऊंट की तरह आजाद छोड़ दिया गया? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोस्ती करो तो अपने दोस्त के दीन को देखो। क्या आप भी अपने दोस्त के दीन पर होता? रिश्ते के बारे में फरमाया, रिश्ता करो तो सबसे पहले दीन को देखो, दीन को देखने के बाद में रिश्ता करो। आज हमारी बच्चियों को यह शऊर नहीं है कि दोस्ती किससे करें और निकाह किससे करना था, यह भी उन्हें नहीं समझाया गया। इसी वजह से दुनिया के फना हो जाने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए वो आखिरत के जन्नत के उस अच्छे फ्यूचर को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन अपने हाथ से गंवा रही है। ये जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन मरने के बाद जो जिंदगी होगी वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। उसमें अल्लाह ने जिसे अपनी रहमत से जन्नत में भेज दिया वो हमेशा जन्नत में रहेगा, और जिसे जहन्नम में डाल दिया वो हमेशा जहन्नम में कुफ्र और शिर्क की वजह से जलता रहेगा।